आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का पिज्जा, जिसके लिए चाहिए होगा हमें एक कप सूजी, चाहे एक कौली, जिस कौली से हम माप करेंगे उसी कौली से हम दही माप करेंगे। ये देखिए, एक कौली हमने सूजी डाल ली, डालेंगे एक कौली दही, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा पानी। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर ऐसा होना चाहिए। इसको हम अब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। देखिए दोस्तों, पिज्जे की टॉपिंग करने के लिए जो जो हमें सब्जी चाहिए, एक हमने शिमला मिर्च ली है उसको चौकोर शेप में काट लिया है, आधा मैंने प्याज लिया उसको भी चौकोर शेप में काट लिया है, आपको जो से भी शेप में काटना हो काट सकते हैं, थोड़ा सा अदरक काटा है, दो हरी मिर्च है और एक टमाटर, उसको भी चौकोर शेप में काट लिया है। आप कोई भी सब्जी और कुछ ऐड भी कर सकते हो और कुछ स्किप भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। ये टॉपिंग के लिए जो जो हमें स्पाइसेस चाहिए वो देख लीजिए आप, कसूरी मेथी है, काली मिर्च, ग्रीन चटनी है, टोमेटो केचप है और ये मोजरेला चीज है। दोस्तों आज हम तवे पे पिज्जा बनाएंगे, इसलिए मैंने तवे को गैस पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब हम आप चलते हैं अपने बैटर के पास। देखिए दोस्तों, हमारा बैटर जो है थोड़ा सा थिक हो गया, हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, हाफ टी स्पून हम डालेंगे मीठा सोडा, अब इसको मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, इससे हमारे दो पिज्जे बन जाएंगे। जो तवा हमने गैस पे रखा था उसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर में से आधा बैटर तवे पर रख देंगे। और इसको फैला देंगे, इसको ज्यादा पतला नहीं करना। अब हम इसको कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो पिज्जा है वो पक गया है। अब इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर रंग आया है हमारा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे टोमेटो केचप, इस ग्रीन चटनी को हमने लगा दिया है, अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज लगाएंगे। हम इस पे अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी तरह अच्छे से सजा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने के बाद हम थोड़ा सा मोजरेला चीज और डालेंगे।
अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा पिज्जा भी नीचे से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको प्लेट में उतार लेंगे। तो अब हमारा सूजी पिज्जा रेडी है। ये देखिए नीचे से भी अपना कितना अच्छा सिक चुका है। ये देखिए